सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को ही इसका स्वाद अच्छा लगता है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। आज का पंचांग 7 अप्रैल 2020, दिन मंगलवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:01 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 9:15 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:09 से 4:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:38 से 12:29 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। मेष राशि 7 अप्रैल 2020, दिन मंगलवार, अपने साथी के लिए समय निकालें, उन्हें अपने निर्णय लेने में शामिल करें, क्योंकि आप अभी किसी बड़ी खरीद या सौदे पर विचार कर रहे हैं। माता के समान कोई स्त्री आपको मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। अपने फैसलों को अपने अनुभव और विचारों के अनुभव से बताइए। इस समय आप सबसे अच्छे दिनों का मजा ले रही हैं। दोस्तों के साथ घूमें, पार्टी और मजे करें। आज समझदार लोगों की बात सुनना जरूरी है, आवश्यक ज्ञान प्रदान करेगा। सुंदरता आपको प्रभावित कर सकती है या जान करके आपके पास सब कुछ है। आत्मविश्वास बढ़ता है और आप दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। माता पिता के सहयोग से कुछ अच्छे कार्य सफल हो सकते हैं। घर में कुछ शुभ कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है तथा घर में सम्मान की दृष्टि से आपको देखा जा सकता है। आपका प्रयास सफल होने की संभावना पाई जाती है। आज के दिन आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। पुराने रुके हुए कामों के बनने के लिए आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है। आज बच्चों के साथ कुछ समय जरूर बिताएं, उन्हें पढ़ाएं या उनके साथ अपना ज्ञान व अनुभव बांटें। सावधानियां, कामकाज से संबंधित यदि किसी तरह का कोई छोटा निवेश करना है तो कर सकते हैं, अन्यथा बहुत बड़े निवेश के मामले में सावधान रहना ही आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो भी आपको निवेश से बचना चाहिए। लव लाइफ की बात करें तो आपके लिए खुशखबरी है, आपके अकेले रहने के दिन अब जाने वाले हैं और आप प्यार के मधुर छड़ों का मजा लेंगे। आपका रोमांटिक जीवन प्रेम और उत्साह से भरने वाला है। समान बातों को आज साझा करना आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। यदि आप बहुत प्रेम करते हैं तो समय का इंतजार करते हुए प्यार का इजहार करना चाहिए। करियर की बात करें तो आपको आज नए वातावरण में काम करने का मौका नहीं मिलेगा, परंतु आपके अनुभव और कौशल से आपके पार्टनर और करीबी साथी सभी प्रभावित होंगे और इनका प्रभाव आपके व्यापार पर भी देखने को मिलेगा। अपने धन संपर्क और संसाधनों का सही से प्रयोग करें। अब आप इन दिनों कुछ बेहतरीन दिनों का अनुभव करेंगे। दोस्तों के साथ फोन पर बात करना आज आपकी प्राथमिकता हो सकती है। अपने बुजुर्गों के ज्ञान से कुछ सीखें और जानें कि आपको जीवन में वास्तव में क्या करना है। सेहत की बात करें तो आपको किसी बुजुर्ग मित्र या संबंधी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे, इसलिए यह समय उनके संपर्क में रहने के लिए बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधान रहना होगा। आप खाने के महत्व को आज महसूस कर पाएंगे और आप संतुलित भोजन ही करें। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।